कि भगवान के दरबार में भी ये फैशन करके जाते हैं। देखो श्रृंगार और फैशन में फर्क है, मैंने फैशन बोला है, श्रृंगार नहीं बोला। श्रृंगार तो होता है एकदम सज धज के जाना बाबा को अच्छा लगे, और फैशन अलग हो जाता है, ओवरडोज होता है। हाँ, कि शाम के दरबार में भी ये फैशन करके जाते हैं, है बहाना दर्शन का कीर्तन का, मिले साथी तो वहां भी ये बतियाते हैं। बतियाते मतलब बातें करते हैं। अरे माता बहनों इतना बता दो, मंदिर में फैशन भला किस लिए है? ये तो ताली बजा रहे हैं। तो अगर मिलनी ही है मिट्टी में काया, तो काया से इतना प्यार भला किस लिए है। आइए ताली के साथ में मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं। आइए हो, अरे माता बहनों इतना बता दो, अरे माता बहनों इतना बता दो, मंदिर में फैशन भला किस लिए है? मंदिर में फैशन भला किस लिए हो? अगर मिलनी है मिट्टी में ये काया, अगर मिलनी है मिट्टी में ये काया, तो फिर काया से इतना प्यार भला किस लिए है? काया से इतना प्यार भला किस लिए? अच्छा, मंदिर में जाके होता क्या है सार की बात? हो किसने क्या है पहना, किसने क्या है ओढ़ा, किसने क्या है पहना, किसने क्या है ओढ़ा, उधर ध्यान ज्यादा पूजा में थोड़ा, उधर ध्यान ज्यादा पूजा में थोड़ा। समझ में आया? मैं पहले से ही कह चुका हूं, अगर गुस्सा आए तो इन पे निकालना, मेरे ऊपर मत निकालना। कि किसने क्या है पहना, किसने क्या है ओढ़ा, उधर ध्यान ज्यादा पूजा में थोड़ा, उधर ध्यान ज्यादा पूजा में थोड़ा। अगर देखनी है औरों की सूरत, अगर देखनी है औरों की सूरत, तो सामने ये मूरत भला किस लिए है? तो सामने ये मूरत भला किस लिए है? देखो ये लिपस्टिक सोने की पायल, हजारों की साड़ी, देखो सास ने क्या सोचा बहू ने क्या बोला, सारा भेद कीर्तन में जा करके खोला। मतलब इधर गाने वाले भजन गा रहे हैं, उधर मेरी बहू तो काम की नहीं है, काम नहीं करती, दिन भर सोती रहती है। ऐसी बातें घर परिवार की चर्चाएं कीर्तन में आकर के करना बहुत बड़ा पाप लगता है। अगर यहाँ पर आकर के बैठ गए तो सिर्फ बाबा का ध्यान होना चाहिए, जिनके दरबार में आप जाके बैठे हो सिर्फ उन्हीं का ध्यान होना चाहिए। हमारे जितने भी भजन गायक आपको भजन सुनाए उन भजनों को गाना चाहिए, गा नहीं सको कम से कम उनके साथ ताली जरूर बजानी चाहिए। सती सीता मैना अंजना को न जाने, अक्षरा आनंदी और दया की ही माने, अक्षरा आनंदी और दया की ही माने। जो हमारे इतिहास में इतने करेक्टर हुए, इतने जबरदस्त रोल जिन्होंने किए, जो हमारे आदर्श होने चाहिए, वो आदर्श नहीं है आजकल। तो कैटरीना कैफ और प्रियंका चोपड़ा आदर्श होती है,
उन्हीं को हम लोग फॉलो करते हैं, तो वहां से हटके हमें वापस अपने संस्कृति में आना चाहिए कि अगर टीवी ही है आदर्श हमारा। इतने अच्छे अच्छे प्रवचन आते हैं विनोद भाई, लेकिन उनको ज्यादा देर सुनते नहीं है। यहाँ पर सीरियल का नाम पूछ लो आप, सारे याद है, सारी स्टोरी बता देंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा पता नहीं कितने 3000 एपिसोड हो गए, पता नहीं कितने हो गए, सारे इनको पता है, सारे देखे, एक भी मिस नहीं किया। लेकिन प्रवचन जहाँ पर आया ठीक है, छोड़ दिया, 10 मिनट सुना, बाकी क्या करना है। कि अगर टीवी ही है आदर्श हमारा, तो गुरुवर के प्रवचन भला किस लिए है, तो गुरुवर के प्रवचन भला किस लिए है, तो गुरुवर के प्रवचन भला किस लिए है। बोली सांचे दरबार की जय हो। गुस्सा उस्सा जो भी आ रहा हो इन पे निकाल लेना, मैंने तो इनकी बात पूरी कर दी। आइए बाबा के दरबार में बैठे, दो पंक्तियां गा करके मैं अपना स्थान